सबसे पहले मैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सभी प्रोजेक्ट्स की मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। सालबाग में सिंध नाले पर पुल की संगे बुनियाद भी रखी गई है, लेकिन उससे भी बढ़ कर के माँ भारती के वीर सपूतों की ज़मीन गांदरबला कर और आपसे रूबरू होने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ के महान सपूत तथा गांदरबल के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्री शेख अब्दुल जब्बार साहब की पुण्य आत्मा को भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज जम्मू कश्मीर का नाम देश नहीं दुनिया की जुबान पर कई दिनों से है। अभी चेयरपर्सन साहिबा ने बताया, G20 की सफल बैठक ये नए जम्मू कश्मीर के उदय का संकेत हिंदुस्तान को भी दे रही है, दुनिया को भी दे रही है। 3 दिन की मीटिंग ने भविष्य की कई सालों की नई कहानी लिख दी है। दुनिया के अनेक देशों के लोग आए और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, यहाँ की खूबसूरती और टूरिज़्म के जो 5 मुख्य आधार तय किए गए हैं इस मीटिंग के, उन पर बेहद चर्चा हुई। अब वो लोग दिल्ली पहुँच रहे हैं या पहुँच गए होंगे। संचालक बहुत शायरी कर रहे हैं तो मुझे भी 2 पंक्ति कहनी पड़ेगी। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। साथियों, सिर्फ ज़माना नहीं बदला है बल्कि तरक्की का अफसाना भी बदल रहा है। 27 देशों के 57 प्रतिनिधियों की श्रीनगर में 3 दिवसीय बैठक ने पूरे अवाम में नया जोश, एक नया स्वाभिमान पैदा किया है और जम्मू कश्मीर के 1,30,00,000 नागरिकों के नए सपनों को अब पूरा होने की उम्मीद दिखने लगी है। मैं G20 पर विस्तार से चर्चा करूं, उसके पहले आज जिन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हुआ है उसके बारे में संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये सभी प्रोजेक्ट्स गांदरबल की तरक्की की हमारी कोशिशों के सिलसिले में एक अहम कदम है। मुझे पूरा यकीन है कि रोड अपग्रेडेशन के सभी काम, नए रोड का निर्माण तथा वाइल, तंग छतरी, यक्षमा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट उन संबंधित इलाकों के 4.25 लाख नागरिकों के जीवन में भारी बदलाव लाने वाले हैं और आवाम की खुशहाली में भी मदद करने वाले हैं। मैं सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। हर एक प्रोजेक्ट से हजारों नागरिकों को फायदा मिलने वाला है। जैसे खनियाबाद कॉलोनी से नूनर पंचायत घर तक बनी रोड इलाके के 43,000 नागरिकों को फायदा पहुंचाने वाली है और उनके जीवन में निश्चित रूप से इसके कारण सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी तरह वायल ब्रिज से कम 21,000 भाई बहनों को फायदा होगा और उनके जीवन में सुखद बदलाव आएगा। मेरे पूर्व संचालक महोदय बता रहे थे कि यात्रा के दौरान जाम लग जाता था, उससे भी मुक्ति मिलेगी। चेयरपर्सन साहिबा इस बात को बेहतर तरीके से जानती हैं कि पिछले 3 वर्षों में गांदरबल में रोजगार और आवामी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्की के अनेक काम किए गए हैं। आवाम के हर एक भाई बहन की खुशहाली जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए अनेक ऐसे प्रोजेक्ट जो सालों से लटके हुए थे, लंबित थे, उन्हें भी पूरा किया गया है। ऐसे 40 प्रोजेक्ट्स को 170 करोड़ रुपए की लागत से, इसमें जब ही 74 करोड़ को आपके सामने इन लोगों ने बताया है, जो शेष हैं वो भी शीघ्र 35 प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। पिछले 2 वर्षों में एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत 2558 काम पूरे किए गए हैं जो नए गांदरबल के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को
नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 590 परिवारों को मशरूम तथा मधुमक्खी पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने में गांधरबल प्रशासन को सफलता मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सभी के पक्का मकान उपलब्ध कराने के सपने को पूरा करने के लिए गांधरबल जिले के आवासहीन जिनके पास घर नहीं था 1607 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 40% मकान बन चुके हैं और शेष जो मकान हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर में बन करके तैयार हो जाएंगे। माताओं बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए सभी 126 पंचायतों को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जोड़ दिया गया है और अनेक सेक्टर्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। अभी जो बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम चला था, उस कार्यक्रम के बाद 3500 नौजवानों को गांधरबल के 387 करोड़ रुपए 387 करोड़ रुपए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उपलब्ध कराए गए। पिछले वर्ष 780 प्रोजेक्ट जिला योजना के पूरे हुए थे और इस साल 1452 प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं हाथ में जो पूरे किए जाएंगे। तो मेहता जी आपसे बता रहे थे कि स्पीड हमारी 10 गुनी हो गई, 10 गुनी से ज़्यादा हो गई। माता खीर भवानी के आशीर्वाद से इस वर्ष भी भव्य मेले के आयोजन की तैयारी प्रशासन कर रहा है और मुझे विश्वास है कि आप सबका पहले भी सहयोग मिलता रहा है और आगे भी भरपूर सहयोग मिलता रहेगा। बाबा अमरनाथ की यात्रा मुझे याद है, पिछले वर्ष जब यात्रियों को तकलीफ हुई थी तो सबसे पहले गांधरबल के लोग पहुंचे थे। मैं हृदय से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि आपकी जो परंपरा रही है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी बाहर से जो लोग आएंगे वो निश्चित रूप से यहाँ से एक ऐसा माहौल एक ऐसा वातावरण देख करके जाएंगे कि पूरे देश में गांधरबल का नाम रोशन होगा। आज सुबह मित्रों G20 समिट में हिस्सा ले रहे 27 देश के प्रतिनिधि अपना कार्यक्रम समाप्त करके वापस चले गए। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का ये कार्यक्रम आज सब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं जम्मू कश्मीर की आवाम भी कह रही है और वो लोग जो 5 दिन पहले तक कह रहे थे कि ये बड़ा गड़बड़ है वो भी कह रहे हैं साहब ये तो गजब हो गया, ऐसा सफल कार्यक्रम तो हमने नहीं देखा था। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सहित अनेक सेक्टर्स में तरक्की की नई रफ्तार इसके कारण देखने को मिलेगी। गांधरबल में ही मुझे बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 9 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आए थे, 2021 के मुकाबले ये संख्या दुगनी है। सोनमर्ग में आपके फिल्मों की शूटिंग हो रही है और मुझे उम्मीद है कि बिजनेस व्यापार का ये सिलसिला अब और तेज रफ्तार पकड़ेगा और टनल बनने के बाद अब विंटर्स में भी लोग सोनमर्ग जा रहे हैं। यह खूबसूरत गांधरबल जिले में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि दूसरे संसाधनों का भी विकास होगा और रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल 300 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में। वो दशक जब कश्मीर की वादी जानी जाती थी बॉलीवुड से रिश्ते के कारण, वो दशक फिर से दस्तक दे रहा है और तेज़ी से कदम आगे बढ़ा रहा है। 1,88,00,000 से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर आए थे, यह आंकड़ा इस बार इससे कहीं आगे बढ़ने वाला है। यमन चैन और आवाम में तरक्की को लेकर उत्साह और जोश का नतीजा है आज प्रतिदिन 527 नौजवान
इंटरप्रेन्योर बन रहा है और जम्मू कश्मीर और भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। साथियों, मैं कह सकता हूं कि G20 की मीटिंग में जम्मू कश्मीर के और ख़ास तौर से कश्मीर के नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और मैं मानता हूं यह एक नए युग की शुरुआत है और इसने अमन और तरक्की की असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। श्रीनगर में अब देर रात पोलो व्यू मार्केट, झेलम रिवर फ्रंट और शहर के अनेक हिस्सों में सामान्य नागरिकों और विशेष तौर से युवाओं की चहल पहल इस बात को दर्शा रही है कि हमारे नौजवानों की, हमारे भाइयों की, बहनों की सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में जबरदस्त भागीदारी बढ़ रही है। और हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो तब्दीली आई है, लोग 4 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन बिना किसी भेदभाव के सबके हितों का ध्यान रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित। G20 के आयोजन में जिस प्रकार से आवाम के हर एक वर्ग ने उत्साह से हिस्सा लिया है, हमारा समर्थन किया है, वह उनकी आकांक्षाओं और नए संकल्पों का प्रतीक है। पड़ोसी की तमाम कोशिशों के बावजूद मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसमें हिस्सा लिया, वह काबिले तारीफ है। ज़मीनी लोकतंत्र की मजबूती, नए उद्योगों के आने से हमारे नौजवानों में भी नई आशा जगी है और मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे शहरों में भी वो तमाम आयोजनों द्वारा अपनी आकांक्षाओं को जाहिर कर रहे हैं। G20 की मीटिंग ने नौजवानों को प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें यह भी एहसास दिलाया है कि योग्यता में वो देश के किसी हिस्से से कम नहीं है, बल्कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नौजवान सबसे आगे हैं। प्रशासन में ईमानदारी, पारदर्शी व्यवस्था ने शहर शहर, गांव गांव प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को नई रफ्तार दी है। पिछले 4 सालों में 7.7 लाख नए उद्यमियों को रजिस्टर किया गया। 6 लाख से ज़्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में अपना योगदान दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन तथा कारगर डिजिटल सेवा डिलीवरी ने काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की है। इस तरह के रिफॉर्म और उससे आ रहे बदलाव समावेशी विकास के ढांचे को मजबूत बनाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। आने वाले दिनों में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अपनी वास्तविक आर्थिक शक्ति को हासिल करे और दशकों तक जिन वर्गों को तरक्की से महरूम रखा गया था, उन्हें मुख्य धारा में लाने का सामूहिक प्रयास हो। मित्रों, आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और संबंधित एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ पर अपना जीवन यापन करती है, एक होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान प्रोग्राम हम लोगों ने बजट के अलावा आने वाले 5 साल में 5,013 करोड़ रुपये अधिक किसानों की हालत सुधारने में हम करना चाहते हैं। आपके यहाँ भी किसान संपर्क अभियान चल रहा है। मैं चुने हुए प्रतिनिधियों से, सरपंच साहिबान से, DDC मेंबरान से, प्रशासन के अपने सभी साथियों से और विशेष रूप से किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देश के किसी राज्य में इस तरह का होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल प्लान नहीं बना है। एक बार इसको इम्प्लीमेंट हो जाने दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। मैं अनंतनाग तथा बडगांव के 2 कार्यक्रमों में मैं गया था और मैंने देखा जिस तरह का उत्साह किसान भाइयों में, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि उससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भारी लाभ मिलने वाला है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी किसान भाई इस अभियान में शामिल हों और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा लाभ उठावें। मैं DC गांदरबल श्यामवीर
जी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। अभी जो हमने दो ढाई मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखी, यूथ सप्ताह जो मनाया है इन्होंने, वो निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। मैं पूरी इनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और अंत में बात कहना चाहता हूँ कि तरक्की का मिशन सिर्फ सरकारी प्रयासों से सफल नहीं होता है, आवाम के हर एक नागरिक को भी इसे जुड़ना चाहिए और आवाम भी ये सोचे कि हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। G20 की बैठक ने जम्मू कश्मीर को एक ऐसा अवसर दिया है जो सदियों में सिर्फ एक बार आता है। हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है और उभरते जम्मू कश्मीर की तरक्की में स्थिरता और शांति, ये दोनों भी हमें सुनिश्चित करनी है। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और अंत में अपनी बात खत्म करने के पहले दो पंक्तियाँ कह के राबता लाख सही काफिला सालार के साथ, राबता लाख सही काफिला सालार के साथ हमको चलना है, मगर वक्त की रफ्तार के साथ, मगर वक्त की रफ्तार के साथ। मैं एक बार पुनः आप सभी को इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए हृदय से बधाई देता हूं। चेयरमैन साहिबा ने कुछ बातें आपके हमारे सम्मुख रखी हैं, अब कुछ चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से की जाएंगी। MRI हर जिले अस्पताल में हो, अभी ये स्थिति देश के किसी प्रदेश में नहीं नहीं आपका मैं केवल आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। लेकिन गांधरबल से MRI बहुत कम दूरी पर उपलब्ध है। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर प्रशासन का रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा, जैसे पहले डायलिसिस की सुविधा यहाँ बहुत कम जगह पर थी, अब हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने कर दिया है। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में MRI देश में नहीं है, विदेश के भी कई देशों में नहीं। लेकिन अब इनकी इच्छा है तो मैंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा ये सुविधाएं हम लोग निरंतर बढ़ाएंगे। कुछ और भी रोजगार की बात उन्होंने कही, पिछली बार जब नितिन गडकरी साहब आए थे तो उस समय भी ये बात इन्होंने उठाई थी। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग भी गांधरबल में या जम्मू कश्मीर में आकर के काम कर रहे हैं वो यहाँ के युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें रोजगार में, ऐसा उनको निश्चित रूप से करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बाकी जो बातें चेयरमैन साहिबा ने कही उसको ध्यान से हमने लिखा है, सुना है और मैं समझता हूँ कि जो उसमें संभव होगा वो किया भी जाएगा। लेकिन अब वो काम मैं नहीं करना चाहता हूँ कि आज जो जिन प्रोजेक्ट्स को आपको समर्पित किया गया है उसमें 12 साल और 20 साल वाले भी प्रोजेक्ट हैं, तो ऐसी कोई घोषणा हो जाएगी 12 साल बाद फिर आना पड़े पूछना पड़े, तो वो काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। जो आपने विषय उठाया है उसको ठीक से एक बार देख लेने दीजिए। ये हम जरूर कह सकते हैं कि उसमें जो यहाँ की आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।